हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी जेई नाउ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। मैं विष्णु श्रीमाल आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग DPP-01 का डिस्कशन करने वाले हैं, DPP-01 विदाउट वेस्टिंग टाइम। फटाफट से इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वाईफाई स्टडी जो चैनल है, हमारा जो मुहिम है, आप लोगों का भी हमारा को साथ चाहिए, बहुत ज़्यादा साथ आप लोगों का चाहिए। तो फटाफट से इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करने के लिए अपने फ्रेंड्स को बोलिए। आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग DPP-01 का डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टेज के, क्योंकि IIT में टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ईजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कॉस पावर 4 माइनस साइन पावर 4, ये हमारे को प्रूफ करना है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बोला था कि SLONE के कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेने वाले हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस का मैं यहाँ पर डिस्कशन करा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि SLONE कौन करेगा, कोई अलग से बुक लेके सॉल्व नहीं कर पाता। इसलिए मैंने बोला है कि इनको DPP की फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को DPP में ये क्वेश्चंस लेना स्टार्ट कर दिया है। DPP में क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं रेगुलरली, ताकि आप लोगों की SLONE कवर हो जाए। अगर आप कर रहे हैं SLONE अलग से तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कॉस पावर 4 माइनस साइन पावर 4 लिखा हुआ, कॉस पावर 4 माइनस साइन पावर 4 लिखा हुआ है। इसमें जैसे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आप सब लोगों को पता होगा ही क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस b a प्लस b। अच्छा, a किसको बोलेंगे, कॉस स्क्वायर को। तो यहां पर इसमें फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं, अगर इसमें फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, यहां पर आ जाएगा। यानी ये आ गया a माइनस b। यहां से LHS में उठा रहा हूं भाई, 10th क्लास की तरह मत करना। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कैसे भी करके सिंप्लीफाई करते हैं और लास्ट में लिख देते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, वैसा नहीं करना। तो यहां पर a माइनस बी, फिर ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यहां पर आ जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, बहुत बेसिक फॉर्मूला है, आप सब लोगों को पता होगा ही, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या आ जाएगा भाई, अच्छा यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस वन भी लिखा हुआ, तो यहां पर मैं इसको प्लस वन भी कर देता हूं, प्लस वन भी लिखा हुआ भाई, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ, राइट हैंड साइड में हमारे को कॉस चाहिए, तो यहां पर क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, और यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, क्लियर है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वन हो जाएगा, प्लस वन यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा cos square a टू cos square a माइनस वन प्लस वन, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये किसके बराबर आ जाएगा, RHS के इक्वल आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है। यहाँ पर साइन पावर 3 कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है, ठीक है ना भाई, हो सकता है आप लोगों को दिखाई नहीं दिया हो। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है, इसको जस्ट हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे को क्या चाहिए, हाँ हाँ मिस्टेक है इसमें, क्या मिस्टेक है इसमें, यहाँ पर कॉस क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, कॉस क्यूब ए लिखा हुआ, साइन क्यूब ए कॉस क्यूब ए बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ था। तो बस इसको मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई कर हम आराम से कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड में हम यहाँ से राइट हैंड साइड उठाएंगे, राइट हैंड साइड इसकी उठा लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आप लोगों को आता ही होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जस्ट हमारे को फॉर्मूला अप्लाई करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन क्यूब ए कॉस क्यूब ए, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला आप लोगों को आता ही है। ए प्लस बी पहला आता है, ए प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए हो जाएगा। तो ए प्लस बी, फिर इसके बाद में क्या आता है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, फिर आ जाएगा बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस ए बी यानी साइन ए इंटू क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा, क्लियर है। तो ये एज इट इज रहेगा, यानी यहां पर आ गया साइन ए प्लस कॉस ए, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, LHS के इक्वल हो जाएगा। यानी हमें जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। नेक्स्ट बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो भाई, साइन ए अपॉन वन प्लस कॉस ए लिखा हुआ है, साइन ए अपॉन वन प्लस कॉस ए लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ वन प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो इसमें हमारे को क्या करना चाहिए भाई, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं करा,
फर्स्ट वाली टर्म जो लिखी हुई है साइन ए अपॉन वन प्लस कॉस ए, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एंड डिवाइड कर रहा हूँ वन माइनस कॉस ए से, वन माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया फर्स्ट टर्म को, यहाँ पर आ जाएगा वन प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, यानी सेकेंड वाली टर्म को हमने एज इट इज रख दिया, ये किसके बराबर है एल एच एस, एल एच एस हम पिक कर रहे हैं, आप कोई भी पिक कर सकते हो राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, और सिंप्लीफाई करके दूसरी साइड के बराबर लाओ, प्रूफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन ए, साइन ए इंटू वन माइनस कॉस ए, डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो भाई, वन प्लस कॉस ए वन माइनस कॉस ए आपका फेवरेट फॉर्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी बन जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहां पर है वन प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, भावना ही चाहिए था क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर ए, तो यहां पर साइन ए वन माइनस कॉस ए अपॉन डिनोमिनेटर में आ गया साइन स्क्वायर ए, यहां पर है वन प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए कैंसिल हो जाएगा, अगर इनको ऐड करेंगे कॉस ए यहां पे प्लस का है यहां पर माइनस का, यहां पे प्लस का यहां पे माइनस का, दोनों लड़ मरेंगे खत्म हो जाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा टू अपॉन साइन ए यानी टू कॉस एक ए यानी राइट हैंड साइड, क्लियर है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, बस साइन कोस में आप कन्वर्ट कर दीजिए, तुरंत ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं ज़्यादा आई थिंक बताना नहीं चाह रहा आप लोगों को, साइन कोस में जस्ट कन्वर्ट कीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा वन अपॉन साइन ए, यहाँ पर आ जाएगा वन माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, मैंने एलसीएम भी साथ का साथ में ले लिया है, तो वन अपॉन साइन ए यहाँ पर आ जाएगा वन प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, ये साइन ए इससे कैंसिल, ये साइन ए इससे कैंसिल, यानी ये क्या हो जाएगा वन माइनस साइन ए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वन प्लस साइन ए, बस इसको एलसीएम लेके आप सिंप्लीफाई कीजिए तुरंत ये सॉल्व हो जाएगा, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कीजिए तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गई थी भाई, इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक हुई थी, कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में मिस्टेक हुई थी भाई, ठीक है। यहां पर आई थिंक इक्वल टू का साइन है मेरे ख्याल से, यहां पर किसका साइन है, इक्वल टू का साइन होना चाहिए, ऐसा मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो इसमें करके देख लेते हैं एक बार हम लोग, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, सेक ए माइनस टेन ए अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, सेक ए प्लस टेन ए, आप कुछ भी मत कीजिए, इसको सेक ए माइनस टेन ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए, सेक ए, इसमें मिस्टेक है यार क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को हटा दीजिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग डायरेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ कॉट ए प्लस टेन बी, लेफ्ट हैंड साइड देखो ध्यान से और राइट हैंड साइड देखो भाई, होता क्या है आईटी जेई में, आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पर तो प्रूफ वाले क्वेश्चन है, हम आईटी जेई में तो प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, तो क्या फायदा हमारे को मिलेगा, बिल्कुल फायदा मिलेगा बेटा, क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चन से हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं और ऑप्शन बना के दे देते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है इसको आईटी जेई में अगर पूछना हो तो चार ऑप्शन आपको किस तरीके से दे देगा, ए ऑप्शन दे दिया कॉट ए टेन बी, ठीक है, बी ऑप्शन दे दिया टेन ए टेन बी, ठीक है ना, सी ऑप्शन आ जाएगा कॉट ए कॉट बी, इस तरीके से चार ऑप्शन फ्रेम हो जाते हैं, और वही क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कंसेप्ट, सारे यहीं से आप सीखने वाले, जितने भी पॉसिबल कंसेप्ट होते हैं सारे यहीं से सीखोगे आप। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर लिखा हुआ कॉट ए, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ टेन बी, वहां पर लिखा हुआ टेन बी, लेकिन नीचे जो है कॉट बी लिखा हुआ, तो हमारे को जो चाहिए उसकी फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पर एलएचएस है, एलएचएस में कॉट ए को मैं एज इट इज रखूंगा, फिर इसके बाद में टेन बी को एज इट इज रखूंगा, क्योंकि यहां पे कॉट ए है और टेन बी भी, यानी इनमें हमारे को छेड़खानी नहीं करनी, डिनोमिनेटर पे आओ, यहां पर कॉट बी लिखा हुआ है, इसको कॉट बी को हम क्या लिख देंगे, वन अपॉन टेन बी लिख देंगे, और यहां पर लिखा हुआ टेन ए इसको लिख देंगे वन अपॉन कॉट ए, यानी जो भी हमारे को चाहिए उसकी फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया सारी टर्म्स को, जो भी टर्म्स थी जिसकी हमारे को रिक्वायरमेंट थी, कॉट ए यहां पर टेन ए दे रखा था, हमारे को जरूरत कॉट ए की है, तो इस टेन ए को हमने कन्वर्ट कर दिया कॉट ए में, ठीक है। अब बस एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो यहां पर है कॉट ए,
यहाँ पर है tan b अपॉन डिनोमिनेटर में एलसीएम लो तो यहाँ पर आ जाएगा cot a प्लस tan b अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है tan b cot a, ये प्रोडक्ट में है यहाँ पर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा tan b into cot a यानी राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सवाल है। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हमारे को सॉल्व करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हमारे को सॉल्व करना है तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर रहा, एक बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, साइन एक उधर ले जाता हूँ, उस वाली टर्म को इधर ले आता हूँ, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वन अपॉन कॉसेक ए, वन अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए, जो प्रूफ करना है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो वन अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और ये उधर ले जाओ तो यहाँ पर आ जाएगा टू अपॉन साइन ए, यानी हमारे को इसको प्रूफ करना हो या इसको प्रूफ करना हो, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। हालांकि इससे भी हम लोग जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे ईजी रहेगा। इसकी एल एच एस उठाओ और साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, एल एच एस उठा के साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ए अपॉन वन माइनस कॉस ए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा साइन ए अपॉन वन प्लस कॉस ए, क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद में एलसीएम हम लोग लेंगे, इसके बाद में एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं, इसके बाद में एलसीएम हम लोग लेते हैं तो हमारे को क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा साइन ए प्लस साइन ए कॉस ए, यहाँ पर आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए आ जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में वन माइनस कॉस ए, वन प्लस कॉस ए, यानी वन माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर माइनस आएगा भाई, यहाँ पर माइनस आएगा, तो यहाँ पर साइन ए प्लस साइन ए हो जाएगा टू साइन ए, टू साइन ए न्यूमेरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, इससे ये कैंसिल, यानी ये क्या बन जाएगा टू कॉसेक ए बन जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, बहुत फंडामेंटल लॉजिकल सवाल है भाई, बहुत फंडामेंटल लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, ठीक है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। इसको अप्रोच करने का बहुत डिफरेंट तरीका है, बहुत अलग तरीके से इसको हम लोग अप्रोच करेंगे, बहुत अलग तरीके से इसको अप्रोच करेंगे। यहाँ पर जो वन लिखा हुआ है, यहाँ पर जो वन लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, एल एच एस पाएंगे, सबसे पहले एल एच एस उठाओ, यहाँ पर है टेन ए प्लस सेक ए, न्यूमरेटर में जो वन लिखा हुआ है उसको लिखो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, बस यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, यही इसकी क्वेश्चन की सबसे अच्छी खूबसूरत स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट यही स्टेप है बेटा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है इस क्वेश्चन में। अब इसके बाद में सिंप्लीफाई कर लो, तो टेन ए प्लस सेक ए माइनस, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए माइनस टेन ए अपॉन डिनोमिनेटर पे आओ, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है टेन ए माइनस सेक ए प्लस वन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, टेन ए प्लस सेक ए हम लोग कॉमन ले सकते हैं, टेन ए प्लस सेक ए अगर कॉमन लेते हैं तो टेन ए प्लस सेक ए हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर रह जाएगा वन, यहाँ पर क्या रह जाएगा वन रह जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा सेक ए प्लस माइनस, माइनस क्या हो जाएगा टेन ए हो जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा वन माइनस सेक ए प्लस टेन ए आ गया, इससे ये कैंसिल, साइन कोस में जैसे ही हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टेन ए प्लस सेक ए, साइन कोस में कन्वर्ट कर दो तो वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो हमारा डीपीपी 11 का डिस्कशन कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब डीपीपी 12, 13 एंड सोन, दो तीन डीपीपी आप लोगों को और ऐसे लोनी पर ही मैं देने वाला हूँ, ठीक है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री की डीपीपी चल रही है इसमें अगली तीन चार डीपीपी और ऐसे लोनी पर रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईजी रहेगी, फंडामेंटल क्वेश्चंस रहेंगे, इनको आप अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, फिर हम लोग जेई के क्वेश्चंस भी इनमें इन्वॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, लाइक कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को बोलिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को, थैंक यू।